गुजराती पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैंने 3 से 4 पत्ते लिए हैं। क्वांटिटी के हिसाब से ये घोल बढ़ता जाएगा। सबसे पहले बैटर बनाने की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे 1 कप जितना ये बेसन लिया है, इसे मैं डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर बिल्कुल थोड़ी सी, आधा चम्मच के हिसाब से चाहिए, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुजराती ढोकले में गुड़ ही डाला जाता है। और साथ में हम इसमें कुछ नमक और मिर्ची डालेंगे, जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली होगी। जैसे सॉल्ट अगर आपको जैसा चाहिए, वैसे जब हम पात्रे को फ्राई करेंगे तब भी उसमें सॉल्ट डाला जाएगा, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मिर्ची, ये आधा चम्मच मिर्ची है, हल्दी आधे से भी कम, और नमक, ये नमक डाल रही हूँ मैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप चाहे तो इसकी जगह बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ना ही इसमें कोई नोड होनी चाहिए। बस आपको इस तरह से मिक्स कर देना है, उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर हिला के हम इसे पत्ते पर लगाएंगे। देखिए, हम पत्तों को रेडी करेंगे कि हमें कैसे पत्तों को रेडी करना है। आपको ये वाला हिस्सा कट कर देना है, ऊपर जो जहाँ से पत्ता अटैच होता है वो वाला हिस्सा अलग कर देना है। और ये जो वेन है, अगर ये पतली हो तो आप रख सकते हैं, जैसे छोटे वाले पत्तों में जो पतली होती है वेन, तो हम उसे रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये छोटा पत्ता है, इसमें वेन काफ़ी पतली है, तो आप इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेन बहुत मोटी है, पत्ता बड़ा है, तो आपको इसको यहाँ से डिटैच करना है। कैसे डिटैच करना है वो बता रही हूँ मैं। ये देखिए, एक तरफ इधर से स्लाइट लगाना है, एक तरफ आपको इधर से स्लिट लगानी है। तो ये आपकी जो पूरी वेन है ये अलग हो जाएगी। अब आप इसको कट कर लीजिए। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों पत्ते अलग हो गए। आप चाहे तो एक पूरे पत्ते पे भी लगा सकते हैं, एक फुल पत्ते पे भी लगा सकते हैं, और उसे रोल कर सकते हैं। ये देखिए, वैसे इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए, एक बार आपको यहाँ से स्लिट करना है, एक बार पीछे की साइड से, एक बार यहाँ से स्लिट करना है, एक बार यहाँ से स्लिट करना है, और इस वाले को निकाल देना है। तो आपके ये 2 पार्ट में, अगर पत्ता बड़ा हो तो, और अगर पत्ता छोटा है तो आप एक पत्ते को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे बेसन लगा के इसे फोल्ड करेंगे। पहले भी मैंने बोला, अगर आप सिंगल पत्ता लेना चाहते हैं फुल, तो वो बड़ी लेंथ का बनेगा, वो भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टीमर का साइज़ कैसा है। मेरा स्टीमर का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसमें इतना बड़ा पत्ता नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये आपको इस तरह से फैला देना है। लेयर जाना, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आप हाथों से भी फैला सकते हैं इसको। और किनारे पे से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये फिर से बाहर निकल आएगा। अब आपको दूसरा पत्ता ऐसे भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूसरा पत्ता रख दिया। अब इस पे भी हम इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब मैं चाहूँ तो इन 2 पत्तों को भी फोल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि ये फूल के मोटा होगा, तो आप जितनी चाहे उतनी लेयर बता सकते हैं। जैसे ये 2 पत्ते वाला है, और मैं इसको अब फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। जो मार्केट में आप अवेलेबल है, वो 3 या 4 पत्तों से मिलके बना होता है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे फोल्ड करती जा रही हूँ। थोड़ा सा बेसन बाहर निकलेगा, निकलने दीजिए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा आप इसे पतला रखिएगा और किनारों से दूर रखिएगा। देखिए, एक हमारा रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हम बाकी भी रेडी कर देंगे।
अब देखिए, एक तरफ हमने हमारा स्टीमर रेडी कर दिया है। अब अगर आपके पास इडली वाला कुकर है तो उसमें आप एक वो ऊपर खमन वाली प्लेट रखकर और उसमें तेल से ग्रीस कर इस पे रख सकते हैं। और अगर आपके पास खमन वाला कुकर नहीं है तो आप नॉर्मल घर का स्टीमर जिसके नीचे पानी और ऊपर एक प्लेट रख के उसे तेल से आपको ग्रीस कर देना है। हमारे अब जो अरबी के पत्ते हैं उसे हम इस पर रोल करे हुए पत्ते हैं उसे हम इस पर रख देंगे एक एक करके। आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है क्योंकि ये फूल कर बड़े हो जाएंगे। अब हमने सारे पत्ते रख दिए हैं, अब हम इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। अब देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हम अब स्टीमर को खोल के देखेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी फूल गए हैं, बड़े हो गए हैं और जो पत्ते का कलर था वो भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। देखिए, अगर आप इसको दबा के देखेंगे इस तरह से तो ये काफ़ी हार्ड हो गया है और पत्ते का कलर मेन है। और तो आपने देखा कि ये थोड़े से बढ़ भी गए हैं, पहले से इनका साइज़ जो है वो डबल हो गया है। तो अब ये रेडी है, अब इसे हम छोंक लगाएंगे। अरबी के पत्तों को हमने पके हुए पत्तों को काट लिया है। देखिए किस तरह से लेयर बनी। लेयर आपको जितनी ज़्यादा करनी हो आप उतने पत्तों का यूज़ कर सकते हैं और बेसन अच्छे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें राई डालेंगे, थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जब राई तड़कने लग जाए तो हम इसके अंदर जो हमने काट के रखे हुए हैं वो डाल देंगे। थोड़े से इन्हें फ्राई होने देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि उनके बाहर की जो लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। हिला लेंगे एक दो बार, गैस की आंच थोड़ी कम कर देंगे ताकि हमारे जो पात्रा है वो जले नहीं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, ये आप अपने तीखेपन के हिसाब से डाल सकते हैं। हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं लेकिन गुजराती खाने में वैसे लहसुन का जो यूज़ है वो कम है। थोड़ी सी शक्कर डालेंगे आधा चम्मच, हमें इसका टेस्ट खट्टा मीठा सा रखना है तो उस हिसाब से हम शक्कर और नमक का यूज़ करेंगे, नींबू का यूज़ करेंगे। शक्कर डालने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली और नींबू निचोड़ कर डालेंगे। जैसे मैंने इसमें एक नींबू डाला है आप वही, जैसे मैंने बोला कि अगर आप खट्टा मीठा जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इमली का पेस्ट भी डाला जा सकता है। खटास के लिए मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए हमारा ये पात्र रेडी हो गया है और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे डाल दिए क्योंकि मुझे लगा कि ये जल रहा है। अब इसे पानी के छींटे डाल के ढक्कन ढक देंगे। कुछ देर बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो देखिए हमारे पात्र पूरे रेडी है। इसको अच्छे से हिला के रेडी कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।